अगर 100% ये सूखा नहीं या बबुल साया तो हम डबल या ट्रिपल पैसा रिटर्न देने के लिए तैयार है। मेडिकल स्टोर से ऐसा दोनों हैंड ग्लव्स ले लेना, हैंड ग्लव्स लगा लेना ताकि आपका हाथ खराब ना हो जाए। मतलब खराब कुछ नहीं होता है, हाथ में चिपक जाता है, फिर उसको धोने में बहुत टाइम लग जाता है। पेंशन वाला आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा होल्डर चाहिए जिसके दोनों तरफ गड्ढा हो। इसको आरएफआईडी के लिए है बेसिकली, मतलब एक साइड में लिक्विड लेमिनेशन हो जाएगा, दूसरे साइड में हमारा आरएफआईडी लग जाएगा। हम लोग बेसिकली आरएफआईडी अटेंडेंस सिस्टम का काम करते हैं जिसके थ्रू बच्चा जैसे ही स्कूल में पहुंचेगा उनको पेरेंट्स के एसएमएस जाता है, जैसे वो स्कूल से निकलेगा फिर उनको पेरेंट्स के पास एसएमएस जाता है। ये जो सीट है ये नॉन टेरेबल स्टिकर सीट है, वैसे कोई भी स्टिकर सीट चलेगा। इसके ऊपर एक पतला लेमिनेशन किया हुआ है, तो सबसे पहले ये स्टिकर को बिठाने के बाद अच्छे से इसको घिसाई करने का ताकि इसके अंदर कोई बबल्स ना रह जाए और वो प्रोफेशनल दिखे। उसके बाद आईडी कार्ड को आपको ऐसे अखबार के ऊपर सजा के रखना है ताकि लिक्विड गिरने से आपका फ्लोर खराब ना हो जाए। फिर जो दोनों डब्बा मिलता है, एक बड़ा वाला एलआर, एक छोटा वाला G1 या H1, इसका तीन हिस्सा और इसका वन हिस्सा, मतलब ये थ्री हिस्सा मिलेगा, इसका एक हिस्सा मिलेगा, 3:1 में मिलाना है। कुछ भी ऐसा खराब सा मॉग या कांच का कोई सामान लेना है तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे तो आप माप के डाल सकते हो लेकिन हम डालते डालते हमारा एक आदत बन गया इसके लिए ऐसे ही डाल सकते हैं हम, तो इसका अप्रोक्स 3 हिस्सा डालना है इसमें और ढक्कन को लगा के रखना है और एक छोटे वाले का एक हिस्सा मिलाना है, अंदाजे से भी डालेंगे चलेगा। उसके बाद एक स्टील का या प्लास्टिक का चम्मच लेना है और उसको अच्छा से मिलाना है, मिक्स करना है। बहुत ज्यादा टाइम भी मिक्स नहीं करना है, 1-2 मिनट मिक्स करेंगे तो चलेगा। दोनों लिक्विड अच्छा से मिल जाना चाहिए और फर्श में ना गिरे, इसके लिए नीचे कोई ऐसा कार्टून टाइप का लगा सकते हो ताकि फर्श में लिक्विड ना गिरे, आपका फर्श ना खराब हो जाए। और आसपास ध्यान रखना कोई छोटी छोटी कचरा ना हो ताकि आईडी कार्ड में गिरने से वो आईडी कार्ड खराब हो जाएगा बाद में। जैसे ये मिल गया तो ये तुरंत आप आईडी कार्ड के ऊपर एक एक चम्मच डालना, बहुत ज्यादा टाइम भी मिलाएंगे तो भी एक प्रॉब्लम है, बबल्स आ जाएगा। इसको सिंपल डालना है कॉर्नर कॉर्नर में, इसके लिए 2 आदमी बेटर रहता है, एक आदमी डालेगा एक आदमी पीछे पीछे कॉर्नर कॉर्नर से मिलाएगा, कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंचा देगा इसको, नहीं तो क्या होता है लिक्विड एक जाएगा जम जाएगा कॉर्नर में नहीं पहुंचेगा। इतना ही काम करना है, फिर 2-2.5 घंटा इसको छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक सूख जाए। हमारे पास जो मिनिमम पैकेज है वो 4 लीटर का कॉम्बो पैकेज आता है, ये 3 लीटर का एलआर आता है और 1 लीटर का हार्डनर आता है। इसका प्राइस है 3,200 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग और GST इंक्लूडेड है। आपको ओनली आपका एड्रेस भेजना है, हमको फोन पे जीपे या कंपनी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है और आपके लोकेशन पे आपके घर पे आपके ऑफिस पे लिक्विड 4-5 या 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाए। मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आता है, आप लोग का ये क्वायरी रहता है भाई मेरा लिक्विड सूखता नहीं है, मेरा ये नहीं होता है। वो दिल्ली से लिया हुआ लिक्विड, दिल्ली वाले जो लिक्विड बेचता है वो डुप्लीकेट लिक्विड होता है जिसके जो आप मिलाने के बाद भी 7-8 घंटा हो जाता है फिर भी सूखता नहीं है। हम मुंबई से जो ये लिक्विड भेजते हैं ये डेफिनेटली 2 या 3 घंटे में सूखेगा ही सूखेगा। आज तक हमारा लिक्विड लिया हुआ कोई भी आदमी कंप्लेन नहीं कर सकता कि ये लिक्विड नहीं सूखता या बबल्स नहीं आता है। ये थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन ये 100% काम करेगा। अगर 100% ये सूखा नहीं या बबल्स आया तो हम डबल या ट्रिपल पैसा रिटर्न देने के लिए तैयार है। थैंक यू।